देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु। आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय। आने वाले 120 दिनों में किनको करेंगे नुकसान। आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा। आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वक्री गुरु के 120 दिन कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए कैसे रहेंगे। जी हाँ, इस 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर यानी कि मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और देखिए तकरीबन 24 नवंबर तक ही रहेंगे यानी कि 120 दिन। गुरु, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपके ज्ञान, आपकी सेहत, आपके धन धान्य, आपके संतान और आपके विवाह के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। यही वजह है जो कि देवताओं के, सभी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनकी मजबूती ही व्यक्ति के जीवन में सफलता लेकर आती है। जी हाँ, और ऐसे में ये आने वाले 120 दिन आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपकी गृह दृष्टि पर एक नज़र डाल लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, धन्यवाद आपका इस मंच पर स्थान देने के लिए। अगर हम बात करते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए, तो अगर इनके लग्न चार्ट से देखें तो इनके घर में ही सूर्य और बुध जो हैं वह बैठे हुए हैं, सूर्य बुध चंद्रमा बैठे हुए हैं। जिस दिन यह गोचर हो रहा है, चंद्रमा रोज गोचर कर जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इनके लिए, जो आपने कहा कि देवगुरु बृहस्पति सभी के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, बहुत कुछ जीवन में देने के कारक हैं, सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो इनके चतुर्थ भाव में, जो कि मातृ भाव, वाहन, भूमि और थोड़ा सा चतुर्थ भाव को हम पीड़ित भाव भी कहते हैं कुछ विषयों में, तो वहाँ पर केतु एक पापी ग्रह बैठा हुआ है। और साथ ही साथ जो सप्तम भाव है, वहाँ शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और इस गोचर के दौरान भी, जब तक गुरु वक्री रहेंगे तो शनि भी वक्री रहेंगे सप्तम में बैठकर, और गुरु नवम भाव में, यानी कि आपके वर्तमान जो कार्य है, कार्य क्षेत्र है, नौकरी पेशा इत्यादि का कारक जो है वहाँ रहेंगे। और दशम भाव में मंगल राहु शुरुआती दौर में रहेंगे और मंगल फिर आगे आने वाले में गोचर कर जाएंगे। शुक्र की स्थिति जो है वह द्वादश भाव में है और वहाँ से वह बढ़ते हुए वह अगले ग्रहों में आएंगे। कहने का अभिप्राय सिर्फ यह है, चंद्रमा की यह प्रधान राशि है और यह विशेष रूप से देखा जाएगा कि गुरु वक्री होने पर इनके अंदर वैसे भी चंचलता रहती है, इनका मस्तिष्क जो है वह अस्थिर रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ नया करने की चाह इनके अंदर रहती है। तो वक्री अवस्था में बहुत कुछ इनके जीवन में परिवर्तन कराने वाले हैं कविता जी। ये बहुत बड़ा बदलाव देवगुरु बृहस्पति की यही वक्री चाल आपके जीवन में करने वाली है। आइए सबसे पहले बात हो जाए ज्ञान। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो इसमें आपके लिए कैसा रहेगा देखिए, नवम भाव में गुरु हैं और गुरु वक्री अवस्था में हैं, यह इनके कार्य क्षेत्र का भाव है और इसमें बैठकर वक्री हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आप उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ डिले करा दें या रुकावट दे दें। इसके साथ ही अगर आप गुरु से हटकर, गुरु के कार्य से हटकर कुछ तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौरान हो सकता है कुछ रुकावट दे दें या आपका मन जो है वह भ्रमित कर दे, आपके अंदर थोड़ा सा आपके जो आत्मविश्वास है उसमें कमी कर दे। तो ज्ञान का स्वामित्व करते हुए वक्री अवस्था में यह कुछ विषयों पे, आपके निर्णयों पे, ज्ञान के क्षेत्र पे नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक फल यह कविता जी देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इनकी सेहत को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य का भी सबसे बड़े कारक गुरु बृहस्पति को माना जाता है, तो 120 दिन, आने वाले 120 दिन देवगुरु बृहस्पति क्या इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे? देखिए, जो सूर्य बुध की स्थिति है और सूर्य आने वाले समय में अपने ही घर में जाएगा, उसके बाद पृथ्वी तत्व के घर में जाएगा और बुध जो है वह इनके घर में बैठा हुआ है, आने वाली जो उसका भी गोचर है वह सूर्य की राशियों में और उसके बाद पृथ्वी तत्व की राशियों में है, तो आने वाला जो समय है और जो इनका षष्टम भाव आता है वह भी गुरु का आता है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से इनका आने वाला समय उत्तम रहेगा, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ,
चंद्रमा की प्रधान राशि होने की वजह से और केतु चतुर्थ भाव में होने की वजह से थोड़ा सा इनको मानसिक तनाव या मानसिक जो उलझन है उसका सामना इनको करना पड़ सकता है इस चार महीने लगभग 120 दिन के दौरान। इनके मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ी बहुत टेंशन रह सकती है आपको। चलिए, बात कर ली हमने आपके ज्ञान और आपके स्वास्थ्य को लेकर, अब बारी आ जाती है आपके लव रिलेशनशिप, जो कि विवाह के भी देवगुरु बृहस्पति कारक माने जाते हैं, विवाह के योग बनाते हैं व्यक्ति के जीवन में। तो अगर आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो क्या इन आने वाले 120 दिन में आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी, आपकी शहनाई बजेगी, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका आगे का मैरिड जीवन कैसे रहने वाला है इन 120 दिनों में? देखिए, अगर आप लव रिलेशन में हैं, कविता जी हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, जो कर्क राशि और कर्क लग्न के हैं, अगर इनमें से आप किसी कोई भी लव रिलेशनशिप में है और अपने संबंधों को नाम देना चाहता है तो उसमें गुरु बृहस्पति मदद करेंगे। वक्री होकर मदद इसलिए करेंगे कि वक्री अवस्था में आने के बाद हो सकता है कि कुछ आपके धुर विरोधी जो आपके परिवार के रहे हों, वह कुछ विषयों पर आपके जाल से या आपके मोह माया में वह प्रभावित होकर आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इसके सीधा उलट अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव आ रहा है आपका, वह शनि का घर आ रहा है और शनि खुद अपने घर में वक्री अवस्था में बैठे हुए तो, और गुरु जो है वह वैवाहिक जीवन के कारक हैं और वैवाहिक जीवन के सुख के कारक घर में इनकी राशि के लिए, इनकी लग्न के लिए शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो देखने को मिलेगा कि वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ इनको तनाव दिक्कत देंगे, वैचारिक मतभेद, या हो सकता है कि अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़े तो कोर्ट कचहरी इत्यादि तक भी यह ले जा सकते हैं। कविता जी, अगर बात करें, हमने बात की इनके ज्ञान को लेकर, सेहत को लेकर और इनका जो वैवाहिक जीवन है, अब अगर बारी आ जाती है संतान पक्ष को लेकर जानने की, तो क्या संतान से कहीं खुशखबरी आने वाली है? अगर ये सोच रहे हैं संतान पक्ष का सुख क्या इन आने वाले 120 दिनों में मिल पाएगा? देखिए, सूर्य बुध लग्न में बैठा हुआ है, इनके घर में बैठा हुआ है और जो पंचम भाव आता है कविता जी, वह मंगल का घर आता है। मंगल को सूर्य का सेनापति कहा जाता है और जो सूर्य अगले समय में गोचर कर रहा है वह अपने घर में कर रहा है, तो यह देखने को मिलेगा कि सच्चाई है कि आपके घर इस वक्री अवस्था के दौरान या तो कोई नन्हा मेहमान आ सकता है या नन्हे मेहमान की तैयारियां आने की हो सकती हैं। तो दोनों विषय में यह समय जो है 120 दिन का समय जो है गोचर का, वह शुभता देता हुआ नजर आ रहा है कविता जी। और यही शुभता क्या इनके धन धान्य में, आर्थिक पक्ष में भी देखने को मिलेगा गुरु की कृपा से? देखिए, धन धान्य में वह दशम भाव में मंगल राहु बैठा हुआ है और केतु चतुर्थ भाव में वाहन इत्यादि घर के सुख का इत्यादि का कारक माना जाता है इस घर को, तो देखने को यह मिलेगा कि कहीं ना कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट या गलत व्यय की वजह से आप परेशान रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे, तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा मानसिक तनाव इस चार महीने के गोचर में गुरु के वक्री अवस्था में देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए, अच्छा जी, जाते जाते ही आपसे जानना चाहूंगी इन आने वाले 120 दिनों में इन्हें क्या कुछ उपाय गुरु से संबंधित कर्क राशि कर्क लग्न वालों को करने चाहिए? देखिए, इस पूरे समय में, इस चार महीने में, देखिए चंद्रमा प्रधान राशि है ये जी। और एक चीज आपको बता दें कि अगर चंद्रमा और गणेश जी का जो संबंध लिया जाता है, उनके कहते हैं कि चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर है, यह किसी भी समय कुछ भी स्थिति परिस्थिति खेल सकता है, तो चंद्रमा की पीड़ा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गणेश उपासना जी। गणेश जी को व्रत करें उनका, उसके साथ आप दूर्वा उनको अर्पित करें, आप उनको मोदक चढ़ाएं, या जिस जो चीज़ें उनको अगर कर सकें तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और सबसे उत्तम होगा कविता जी कि अगर इस दौरान आप कभी भी शुभ अवसर मिले, मौका मिले, तो इस समय यह सबसे बड़ी चीज़ है कि इस दौरान यह वक्री हैं, यह जो है इन गणेश जी के पिता का समय है और इस समय गणेश जी खुद जो है वह एक सेनापति की भूमिका में पिता के साथ वह डटे रहते हैं पृथ्वी के लिए, तो गणेश जी का अगर दूर्वा के रस से अगर आप अभिषेक करा लेते हैं गणेश जी का, तो वह आपके जीवन से इस चार महीने में आने वाले सभी कष्टों से आपको दूर कर देंगे। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।